आज हम यहाँ पे मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र एंड मिसेस इंडिया सुपरनेशनल जज करने आए थे एंड इट्स रियली वंडरफुल बिकॉज सबसे पहले तो जो भी आपकी ड्रीम्स होती हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक मंच मिलना बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ डेफिनेटली दैट प्लेटफॉर्म. दूसरा जो मिसेस इंडिया सुपरनेशनल है, सो यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि ऐसे लगता है कि शादी करने के बाद, बच्चे होने के बाद, देर इज़ नो वे दैट यू कैन एंटर ब्यूटी कॉन्टेस्ट. बट यहाँ पे कितनी सारी जो अंदर कंटेस्टेंट्स थी, यू नो दैट देव बिकम मदर्स, यू नो दैट देव बिकमिंग, यू नो देव गॉटन मैरिड एंड इट्स नॉट जस्ट कि उनको एक बॉक्स में डाला गया, दे ऑल्सो हैव दैट ड्रीम एंड दे आर लिविंग देयर ड्रीम राइट नाउ. द विनर टू नाइट ऑफकोर्स विल बी अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल पैजेंट एंड रिप्रेजेंट इंडिया, वो बहुत बड़ी बात है. एंड ज़ोया सिराज शेख ऑफकोर्स इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब. और चाहे कोई भी मंच हो, वो कभी छोटा नहीं होता, कभी बड़ा, इतना बड़ा नहीं होता कि आप वहाँ तक पहुँच ना पाएँ, और इतना छोटा भी नहीं होता है कि उस मंच से आप आगे ना बढ़ पाएँ. एंड आई ऑलवेज फील दैट एवरी स्टेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. जज करना कितना इजी या डिफिकल्ट होता है आपके लिए, क्योंकि आपने जब करियर की शुरुआत की थी तभी भी जो है वो एक कन्फ्यूजन और जो आगे बढ़ने का जो आस है वो रहता है, यहाँ पर भी आपने जज किया, थोड़ा सा नर्वस थी आप भी? नहीं, आई डोंट थिंक मैं नर्वस थी. मैं वैसे नर्वस होती नहीं हूँ. अब इतने साल हो गए काम करके, इट टेक्स वेरी लिटिल टू गेट मी नर्वस. बट आई थिंक दूसरों के लिए हमेशा ऐसे लगता है कि आपको इसलिए जज करते हैं हम दो या तीन क्राइटेरियाज़ पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त वो ठीक तरह का आंसर ना दे पाए या उनके लिए मुश्किल क्वेश्चन आ पाए. यू नो इट्स ऑल्सो अबाउट लाइफ, इट्स अबाउट टाइमिंग. तो वी लुक एट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड देन वी होप दैट we are just making sure that we make the right decision. Ek collective decision aur ek individual decision hoti hai, that's why you have lots of judges. And maine dekha, it was very very fair and all of them were shining, but the one who was actually shining the most won tonight. Also, kya qualities honi chahiye jo miss and misses maharashtra banne wali hai aaj? I think sabse pehle to confidence, being true to who you are, wo bahut zaruri hota hai. Ek poise, ek gait hona bahut zaruri hota hai. And to be able to carry yourself on stage with confidence, I feel, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी ब्यूटी पैजेंट में. Yes, I mean, I do. I've done an OTT show after very long. Actually, मैंने इसके पहले सिर्फ एक ओटीटी फिल्म की थी, तो वो आ रही है. और साथ ही में कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ साइन की है, आपको दो या तीन हफ्तों में पता चल जाएगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आपने जिस रिदम में पूछा, मैं ऑलमोस्ट बताने वाली थी आपको, बट देन मुझे ब्रेक लगानी पड़ी. सो यार, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो इस बारी तीन शोज थे, मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र और ऑल्सो मिस इंडिया सुपरनेशनल. बहुत अच्छा लगा कि यू नो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए थे, बहुत सारे राज्यों से आए थे, और क्वेश्चन आंसर राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग था. बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने हमने सवाल किए और जो जवाब दिए, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, और लग रहा था कि सिर्फ वो बाहर से खूबसूरत नहीं है लेकिन तेज़ दिमाग भी है, एंड दैट्स सो इम्पॉर्टेंट. तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि देयर इज़ ब्यूटी विद ब्रेन्स. मिस के लिए मिस होना चाहिए, मिसेस के लिए मिसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. औरत होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लड़की होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बाकी क्या, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. तो यू नो हम किसी की नक्शे कदम पे नहीं चल सकते कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ब्यूटी. सो देर आर मेनी वेज ऑफ जजिंग इट. सो अलग अलग लोगों के अलग अलग चॉइसेस होते हैं, बट इन शॉर्ट व्हाट आर लुकिंग एट इज पीपल हु आर स्मार्ट, यंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जो अपने आप पर विश्वास करते हैं. And that's what we're looking for. Confidence. Confidence, yeah. मैम, क्या कहना चाहेंगे आज जो कंटेस्टेंट्स का जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा बढ़ गया होगा? टेरेंस सर यहाँ पर थे, नेहा मैम यहाँ पर आएंगी, क्या कहना चाहेंगे उसका? ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ टेरेंस सर एंड नेहा मैम. कहते हैं ना, जब लड़कियों का फेवरेट कोई ना कोई होता ही है, तो ऑफ कोर्स टेरेंस सर एक सबके बहुत ही चाहने वाले पसंदीदा में से हैं. तो सबसे पहले तो मैं टेरेंस सर का थैंक यू बोलती हूँ. एंड ऑफ कोर्स मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र और मिसेस इंडिया सुपरनेशनल मेरा सेकंड सीजन है. मिसेस इंडिया सुपरनेशनल की जो लड़कियाँ हैं, दे ऑल आर फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट. तो हम लोगों के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है हर स्टेट से एक लड़की को चुनना. तो ऑफ कोर्स दे हैव गुड क्वालिटीज़, दे हैव गुड कॉन्फिडेंस एंड दे हैव डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट पर्सनैलिटी. सो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि बेंग अ वूमन, बेंग अ मिसेस यूनिवर्स,
तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी कंटेस्टेंट में और मेरी जो होने वाली विनर्स है उनका सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है उनका ऑरा, यू नो पॉजिटिव ऑरा सब कुछ प्ले करता है। अगर आप किसी के आसपास खड़े हो, जैसे टेरिन सर यहाँ पे खड़े हैं, अगर टेरिन सर का ऑरा पॉजिटिव नहीं होता तो मेक श्योर आप लोग सब यहाँ पे नहीं होते। तो थैंक यू सो मच टेरिन सर एंड थैंक यू ऑल द मीडिया। वो तो अपना काम करेंगे चाहे मेरा ऑरा अच्छा हो या ना हो, उनका काम चलेगा। बट सो थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर दोस लवली वर्ड्स। आप क्या कहना चाहेंगे? बोल दिए मैडम, बोल दिए एक ही बात है। हां थैंक यू, थैंक यू सर। हां सबसे पहले तो मैं जोया मैम एंड सर का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी आई वॉज़ अ सिंपल गर्ल, ऑल्दो आई एम ड्रग कंट्रोल ऑफिसर इन ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, बट स्टिल द वे दे पॉलिश्ड अस, ट्रेन्ड अस एंड मेड अस सो कॉन्फिडेंट दैट आई एम टोटली चेंज्ड पर्सन। इट्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी एंड आई होप आई कैन ब्रिंग क्राउन फॉर इंडिया ऑल्सो। थैंक यू। Hello, I am Dr. Rasika Rajiv Gondare. I was representing Maharashtra in this pageant. I would like to share, I learned a lot from Zoya ma'am. She is the inspiration from me. When I was in depression, she was the one who inspired me that I have dreams and I should live it. And whatever mentors and Zoya ma'am guided us, and you can see the transformation. Today I am first runner-up Mrs. India Supranational. Thanks to Team Zoya ma'am and all the mentors. Thank you. Hi everyone. My name is Genevieve Pala, all the way from Meghalaya, and I would like to thank Zoya ma'am for being such a beautiful human being and such a beautiful soul who has inspired so many women. And this golden opportunity, this platform for me, has built me into another different person. As a single parent, I think I will be somebody to inspire all the women across India. Thank you so much. Thank you so much. First of all, thanks to Zoya ma'am to give me this wonderful opportunity to present myself in this beauty pageant. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं विनर बनी, मैंने खुद को प्रेजेंट किया और अब मैं दूसरी औरतों को प्रेरित करूँगी कि वो भी खुद के लिए स्टैंड ले और खुद के लिए बोले। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ऑनर टू बी द विनर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू Zoya ma'am. शी इज़ एन इंस्पिरेशन to how to become, how to make a platform for such wonderful opportunity, and especially how to make a safe platform for girls like us who are 360 degree changing in their life. And she's my inspiration, where I wanted to be like her, make a platform, and by God grace I would be there one day. Thank you so much Zoya ma'am. Hello everyone, my name is Sonali Bisen. I am first second runner-up of Miss Maharashtra, and I would like to thank Zoya ma'am, क्योंकि उन्हें देख के ही मुझे inspiration हुई कि मैं उनके जैसे बनूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज platform में perform करके। Thank you so much for all the team, our mentor, and especially thanks to Zoya ma'am. Thank you so much. Good evening all of you. I am Tripti Apreja. I am the first runner-up of Mrs. Maharashtra, and I'm really thankful to Zoya ma'am जिन्होंने मुझे ये platform दिया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ इस platform में। तो इन्होंने मुझे एक नया vision दिया है, so I hope मैं आगे और इससे ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाऊँ। Thank you so much.